ओके सो हेलो एवरीवन, यार आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम min gw जो हमारा gcc कंपाइलर होता है इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी बार हमारा क्या होता है कि हम किसी टेक्स्ट एडिटर को एक्सटेंड करते हैं और उसको हम एज ए कंपाइलर यूज करते हैं, काफ़ी बार ये होता है। तो इसके लिए हमें एक्सप्लिसिटली जो है ये कंपाइलर हमें डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन जब हमें इंस्टॉल करने की बारी आती है तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कुछ लोग बोले हैं कि हमारा जो कंट्रोल पैनल में होता है प्रोग्राम्स वाला सेक्शन में हम जा करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जब आप यहाँ पर सर्च करोगे वहाँ पर जा करके तो आपको ये प्रोग्राम वहाँ पर नहीं शो करता है, और इसी वजह से हमारा जो है थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि हम यार इसको कैसे अनइंस्टॉल मारेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर वो प्रोग्राम min gw जो आपका कंपाइलर है नहीं शो करेगा। ठीक है, इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए जो है हम जो है हमारा जो इंस्टॉलर है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पूरी सारी चीज़ें जो है लोड होंगी। इसके बाद से जो आपका ये लिस्ट दे रखा है इसी लिस्ट में से आपको सर्च करना होता है, और कौन देखिए जो भी आपका प्रोग्राम यहाँ पर इंस्टॉल होगा उस पर जो है ग्रीन टिक होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके मार्क फॉर रिमूवल करना है, जितने भी आपके रहेंगे उन सबको आपको करना पड़ेगा। अब इसके बाद से जो है आपको क्या करना है, इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है और अप्लाई चेंजेस, और यहाँ पर जो आप देखें ओके टू प्रोसीड, तो ये जो है 27 इंस्टॉल्ड पैकेज जो है रिमूव हो जाएंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे और ये सभी पैकेज जो है यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और इसको हम क्लिक कर देते हैं, अरे हो गया हमारा, तो यहाँ से ये हमने अनइंस्टॉल कर दिया पूरे के पूरे जो भी हमारा ये पैकेज था। ठीक है, अब हमारा क्या होगा कि जैसे ये हमारा एक शॉर्टकट था, ठीक है, जैसे अभी मैं इसको क्लिक कर जब मैं इसको क्लिक करके और डिलीट के लिए यहाँ पर करूँगा तो डिलीट हो गया। ठीक है, और बाकी मेरा एक अभी बचा है जो कि मेरा पूरा पैकेज जो डाउनलोड हुआ था वो मेरा इस सी वाले ड्राइव में पड़ा है, और ये रहा मेरा वो पैकेज। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे पैकेज मेरे यहाँ पर पड़े हैं, लेकिन जो इंस्टॉल हुआ था वो मेरा अनइंस्टॉल हो चुका है। बाकी अब मैं इसको जो है डिलीट कर सकता हूँ, मैंने इसको डिलीट किया यहाँ से, और इसके बाद से जो है डिलीट करने के बाद अब हम देख सकते हैं यहाँ पर, तो जब आप जो है यहाँ पर रिफ्रेश कर लोगे थोड़ी देर के बाद आप यहाँ पर चेक करोगे तो आपका जो है जो min gw आपका कंपाइलर है वो यहाँ पर आपका नहीं शो होगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर ये शो रहा है ये मेरा सेटअप था जो मैंने डाउनलोड किया था। ठीक है, जो फाइल मेरी डाउनलोड हुई वो एक्चुअल में है, तो इसको मैं अगर डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पर डिलीट कर सकता हूँ या फिर जो इसको रख सकता हूँ। ठीक है, तो इससे कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो हमारी फाइल थी वो अनइंस्टॉल हो चुकी है। अब दूसरा काम हमें क्या करना है कि हमारा जो एक पाथ वेरिएबल हम सेट करते हैं, ठीक है, उसको भी हमें वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं पाथ, और यहाँ से हम डायरेक्ट आ जाएंगे जो भी हमारा पाथ और वेरिएबल होता है, और यहाँ पर जो है हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल, और इसमें जो है पाथ वाले सेक्शन में आएंगे और एडिट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से इसको हम क्या करेंगे डिलीट कर देंगे। तो हमारा डिलीट हो गया, ओके पर क्लिक किया, और यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा जो भी कंपाइलर था ये जो है हमारे सिस्टम से पूरा का पूरा हट गया। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे हम जो है min gw कंपाइलर को रिमूव कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।